नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एमपी पुलिस की जो ई चालान है वो आप यहाँ पर कैसे जमा कर पाएंगे, ऑनलाइन कैसे चालान पे कर पाएंगे, स्टेटस कैसे देख पाएंगे। अगर आपका ट्रैफिक का कोई नियम टूटने के कारण चालान हो गया है, रेड सिग्नल क्रॉस का या हेलमेट ना पहनने का, तो ऐसे बहुत सारे चालान हैं जो ऑनलाइन होने लगे हैं। तो इन सारे चालानों को आप ऑनलाइन कैसे पे कर पाएंगे, इसकी प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूं। और बहुत से लोग दोस्तों यहाँ पर ऐसे हैं जिनका चालान कट चुका है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि चालान उनका कट चुका है, तो वो अपना स्टेटस भी देख सकते हैं कि उनका चालान कटा है या नहीं। सिर्फ गाड़ी नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, चालान की प्रोसेस को पूरा करते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने बताया, आपको गूगल में डाल करके सबसे पहले इस लिंक पर आ जाना है। गूगल में सर्च करेंगे एमपी पुलिस ई चालान, तो ये लिंक आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। इसके बाद आपको अपना व्हीकल नंबर, जो आपका गाड़ी नंबर है, इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। एमपी से जो भी स्टार्ट होता है, अपने एमपी का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट, आपको इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। और ये रेड कलर की जो सर्च बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, इसके अलावा कभी आपने इससे पहले ऑनलाइन चालान जमा किए हैं तो उसकी रसीद आपको निकालने के लिए यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, क्लिक हेयर फॉर पेमेंट डुप्लीकेट रिसिप्ट। तो यहाँ से आप अपनी चालान की डुप्लीकेट रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो है डिटेल आपकी दिख जाने वाली है। आपका नाम दिखाई देगा और व्हीकल नंबर दिखाई देगा। अगर ये करेक्ट है तो लेफ्ट साइड में आपका ये ओनर डिटेल दिखाई देगी। इसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके चालान कटे हुए हैं वो यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज दिख जाएंगे। तो यहाँ पर ये दो चालान दिखाई दे रहे हैं 250 रुपये के, ये इनका चालान नंबर है, दोनों का चालान नंबर है। और अगर इस चालान को आपको डाउनलोड करना है तो इस चालान नंबर पर क्लिक करके आप इन दोनों चालान की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ में क्लियरली आपका फ़ोटो के साथ कहां पर ये चालान कटा हुआ है और किस चीज़ का ये चालान है, ये आपको उस पीडीएफ में सब चीज़ें मेंशन रहेंगी। तो दोस्तों, ये चालान की डिटेल हो गई यहाँ पर। अब दो चालान यहाँ पर दिख रहे हैं, आप चाहें तो एक साथ दोनों को पे कर सकते हैं या 1x1 करके भी पे कर सकते हैं। अगर दोनों ही पे करना है तो आपको दोनों चेक बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं चालान के सामने, इस पर आपको टिक कर देना है। और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ज़रूर फिलअप करना है चालान पे पर पे करने से पहले। ये पे चालान पर प्रोसीड करने से पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। दोनों चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और फिर इसके बाद पे चालान पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर के साथ साथ इन दोनों चेक बॉक्स पर टिक कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चालान का जो अमाउंट है टोटल होकर के यहाँ 500 रुपये हो गया है, और पर चालान 10 रुपये आपका जो है एक्स्ट्रा एमपी ऑनलाइन का चार्ज यहाँ पर पोर्टल शुल्क के नाम पर लिया जाता है। इस प्रकार आपका जो टोटल चार्ज है 520 रुपये की रसीद आपकी कटेगी। अब आपको पे चालान पर क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पर पेमेंट वाली साइट पर रिडायरेक्टेड होगी ये साइट। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर एक बार आपको आपकी डिटेल दिखने वाली है, नाम के साथ जो चालान अमाउंट आप यहाँ पर जमा करने वाले हैं वो डिटेल। अब इस तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं, एमपी ऑनलाइन संचालक हैं, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना जो कियोस्क आईडी है और पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप पर्सनल यूज़र हैं, सिटीज़न यूज़र हैं, आप खुद से ही अपना चालान जमा कर रहे हैं, तो आपको ये सिटीज़न वाला ऑप्शन जो है इस पर आपको चेकबॉक्स में टिक करना होगा। और इसके बाद सिंपल आपको 8412 यहाँ कैप्चा कोड में 12 यहाँ पर आपको फिल करना होगा और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चालान की रिसिप्ट जनरेट हो चुकी। सिंपल आपको प्रिंट पर प्रेस करके आपको इस चालान का प्रिंट निकाल लेना है, या आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।